दोस्तों हमारी दुनिया में सभ्यताओं की बात करें तो मेसोपोटामिया, मिस्र, बेबीलोन और सिंधु घाटी की सभ्यताएं प्रमुख हैं, जिनके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा। पर आज मैं आपको एक ऐसी सभ्यता के बारे में बताऊंगा जिसमें लड़कियों को उनसे अपनी हवस पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस सभ्यता के शुरुआती दिनों में लड़कियों के साथ इतनी हैवानियत की जाती थी जिनको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पर्शियन सिविलाइजेशन की, जो आपके ईरान में हुआ करती थी। इस सिविलाइजेशन की लड़कियों को उनकी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। पर्शियन एम्पायर एक समय में मिस्र से लेकर भारत के सिंध तक और मध्य एशिया तक फैला था। दोस्तों इस सभ्यता ने भारत, अफ्रीका और यूरोप के बीच संचार मार्ग का काम किया और इसी सभ्यता ने सबसे पहले डाक सेवा का प्रारंभ किया। और शुरुआती दिनों में इस सभ्यता के लोग इधर उधर छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे और पशुपालन किया करते थे। पर पर्शियन लोग युद्ध कला में पारंगत होने की वजह से ये धीरे धीरे 500 ईस्वी में एक सभ्यता से एक ताकतवर एम्पायर के रूप में पूरी दुनिया के सामने आए और यूनान, मिस्र, बेबीलोन और सिंध तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसका पहला और शक्तिशाली एम्पायर जिसे हकामनी या अचमेनिड एम्पायर कहा जाता है, इसमें साइरस द ग्रेट ने इस एम्पायर को एक महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने रखा। पर्शिया में ग्रीफोन को देवताओं का वाहन कहा जाता है, जिसके पंख और सिर बाज का होता है और शरीर शेर का होता था। ये इनका प्रतीक चिन्ह था। दोस्तों पर्शिया खूबसूरत लड़कियों और पर्शियन तलवार के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और इसीलिए हॉलीवुड की कई फिल्मों में पर्शिया की ताकतवर तलवारों और खूबसूरत लड़कियों के बारे में दिखाया गया है। उस समय पूरी दुनिया में पर्शियन तलवार की डिमांड हमेशा रहती थी और वैसे ही यहाँ की लड़कियों की। और आज मैं आपको बताऊंगा पर्शियन लड़कियों की डिमांड पूरी दुनिया में क्यों रहती थी। दरअसल दोस्तों पर्शियन लड़कियाँ काफी खूबसूरत होने के साथ साथ काफी कामुक होती थी। दूसरा ये कि वहाँ का माहौल ऐसा था कि वहाँ लड़कियों को सिर्फ भोगने की चीज समझते थे, उनसे मजे लेने और उनसे बच्चे पैदा कराने के लिए उनको रखा जाता था। दोस्तों उस समय दुनिया भर के राजा महाराजा पर्शियन लड़कियों को अपने हरम में रखा करते थे ताकि उनसे अपनी हवस पूरी की जा सके। यहाँ लड़कियों के साथ यूज एंड थ्रो का हिसाब होता था, यानी कि खरीदा, कुछ दिन यूज किया और बच्चे हुए तो ठीक, वरना बेचकर दूसरी खरीद लेते थे। दोस्तों ये सब उनके लिए बहुत आम बात थी और लड़कियों को इसमें बहुत मजा आता था। वो इस माहौल के लिए ढल चुकी थी, उन्हें तो आए दिन नए मर्द मिल जाते थे रात बिताने के लिए। जो लड़की जितनी बार और जितने ज्यादा दावों पर बिकती थी वो लड़की खुद को उतना ही भाग्यशाली समझती थी। उस लड़की के लिए ये बड़े गर्व की बात होती थी। इन लड़कियों को घर के कामों के अलावा सबसे जरूरी काम मर्दों की इच्छा के अनुसार उनकी प्यास बुझाना था। इसके अलावा जिन लड़कियों को उनके मालिक छोड़ देते थे या किसी कारण वो अनाथ हो जाती थी तो वो अपनी हवस इधर उधर मर्दों से शांत करती थी। पर इसके अलावा जो लड़कियां ऐसा करने से इनकार करती तो उनको नियम तोड़ने के जुर्म में पहले तो उनका सामूहिक बलात्कार किया जाता और फिर उनको पहाड़ी से फेंक दिया जाता था। कई बार तो उनके प्राइवेट पार्ट्स को भी काट देते थे। दोस्तों ये तो रही पर्शियन सिविलाइजेशन की लड़कियां और उनकी पर्सनल जिंदगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।